नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। ये लोग जो आप यहां हमारे सामने देख रहे हैं, ये रास्ते पे बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी से के ये कार्यकर्ता हैं और आज एक बार फिर से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण मैं आपको बताता हूं कि जैसे लाइट के कुछ यूनिट्स हैं उनकी ये फ्री मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं से पूछेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रवि शास्त्री। अच्छा शास्त्री, क्यों आप सभी आम आदमी पार्टी जो सारे आम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी जम्मू, खासकर हमारे पार्टी के वर्कर्स लीडर्स, आज हमने ये एक मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपा डिपकॉम जी को। वो थ्रू डिपकॉम के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को जाना था। एक तो आज आम आदमी पार्टी, आज आपके चैनल के माध्यम से हम ये क्लियर कर दें, अभी तो हमारे बहुत सारे वर्कर्स ये जम्मू संभाग के अंदर है, कठुआ के वर्कर लीडर आए हुए हैं, उधमपुर से महिला की अध्यक्ष अनीता नगोत्रा के माध्यम से आए हुए हैं, रामबन से है, राजौरी से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हमने एक ये मेमोरेंडम दिया। इस मेमोरेंडम के अंदर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की ये पुरजोर मांग करती है कि अगर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2 करोड़ जनता की बात को मानकर उनके काम कर तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो उनके मेमोरेंडम में क्या क्या था? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, यात्राएं वगैरह, सीसीटीवी कैमरे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज क्लियर कर दें, हमारी आज की डिमांड थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर दिल्ली के अंदर आम जनता को दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर कारकुन, हर वर्कर्स, हर लीडर ये मांग कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया हो, ये सरकार से मांगते हैं। आज हमारा मेमोरेंडम डिप्टी काम से को यही है कि आम आदमी पार्टी ने आज पीसफुल रैली निकाली, शांतिप्रिय रैली यहाँ से होते हुए डिपकॉम के ऑफिस में गई, वहाँ पर हमारे 10 लीडरों ने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के अंदर 300 फ्री यूनिट बिजली की हमारी स्पष्ट मांग थी। नहीं तो आपको लगता है सरकार आपकी ये मांग सुनेगी? क्योंकि ये तो बिजली प्राइवेट करने जा रहे हैं और लोगों को पहले से दुगना उसका किराया चुकाना होगा। ये देश हमारा लोकाशाही का देश है, जनतंत्र की आवाज़ है, डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसिक सेटअप। भारत देश एक महान देश है और जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको लगता है अगर जब जनता सड़कों पर बैठकर अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है तो उसने नाम आने वाली की तो बात नहीं है। आप पिछले 70 सालों का हिसाब दोहराएं, आप आज आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर पावर है, वो सरकारें बनाते हैं और सरकारें को घिराना भी उनको आता है। तो वही स्पष्ट नतीजा रहा जिन पिछले 50-55 सालों में जिस पार्टी ने इस देश के अंदर राज किया, लेकिन वही जनता थी राज कराने में और वही जनता ने उनको तख्ता पलट कर दिया। निस्संदेह जनता की आवाज़ हर कोई अधिकारी सुनेगा और हमें पूरा यकीन दिया, और वहाँ पर हमारे ACR साहब ने, जिनके पास डिपकॉम महोदय जी नहीं थे, उन्होंने एश्योर किया इस बात को, उनका मेमोरेंडम LG साहब को भी जाएगा और कुछ ही समय के अंदर इस बात को वो मानेंगे भी जरूर। ये गाँव के लिए आपने मांग की है कि अर्बन एरियाज और रूरल दोनों? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये गांव, शहर, धर्म, जाति के ऊपर नहीं है, ये एक हर समुदाय के लिए है, हर वर्ग के लिए है। मेरा असहाय वर्ग, दलित, पिछड़ा, और वो ऐसा गांव के अंदर बैठता है जिसको कोई नहीं पूछने वाला। आम आदमी पार्टी हमेशा हर वर्ग के साथ है, शहर और ग्रामीण की यहाँ पर कोई बात नहीं है, मुद्दा सबके लिए है। तो ये आज का हमारा आज का यही एक विशेष प्रोग्राम है। मैम आप अपना नाम बताएंगे? मैं अनीता नगोत्रा, आम आदमी पार्टी महिला की प्रधान हूँ। आज का हमारा जो पीसफुल रैली का आयोजन था वो एक बिजली को लेकर था, क्योंकि दिल्ली के अंदर बिजली अगर फ्री दी जा रही है तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बिजली को फ्री किया जाए, क्योंकि ये यहाँ की जो जनता है बहुत ग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि इनके बिल जो है, एक तो कोरोना महामारी के साथ सारे उसके साथ प्रभावित हुए हैं, और दूसरा ये बिजली के इतने इतने इनके बिल है जो नहीं चुका सकते, जो बिल्कुल गरीब जनता है। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि बिजली का बिल भी माफ़ किया जाए और 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दिया जाए। इतना गांव में क्या क्या परेशानी आती है लोगों? वहां तो लाइट ही हमें लगता है बहुत कम कम मिलती है लोगों को। देखिए वहां पे तो बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं, उनको तो बिजली तो बिल्कुल नहीं मिलती है और टाइम पे बिजली आती जाती है। तो गाँव में तो इतनी मुश्किल के हालात से बच्चे पढ़ते हैं और ऊपर से फिर उनको पढ़ लिख कर इतनी
बुरी हालत के साथ पढ़ते हैं जब, तो फिर वो बोलते हैं कि हमें नौकरियां चाहिए, नौकरियां तो नहीं मिलती है, लेकिन एक बिजली है, जो बिजली नहीं मिलती, उनको पानी नहीं मिलता, जैसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गांव के अंदर आती हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये स्कीमें भी लागू की जाए जैसे दिल्ली के अंदर हो रही है। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? अमित लंगर। इनका भी ले लें, कठुआ के हैं, इनका भी ले लें। अच्छा, कठुआ से। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 300 यूनिट जो आप मांग कर रहे हैं, कर पाएगी सरकार? देखिए, जैसे हमारे शास्त्री साहब ने बोला है, ये डेमोक्रेसी है। अब्राहम लिंकन साहब ने बड़ी शानदार डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, लोगों की आवाज़ से ही देश चलता है। बड़े बड़े लोगों ने पावरें कैप्चर करने की कोशिश की हैं, बड़े बड़े ऐसे भूखे लोग आए हैं जो चाहते हैं कि सत्ता उनके कब्जे में रहे, बड़े बड़े अटेम्प्ट्स हुए हैं। आपने देखा, बड़ी ज़्यादा महाजनपदास आए, बड़े बड़े राज्य मौर्यास राज्य नहीं रहे, गुप्तास नहीं रहे, ठीक है। तो ये जो इस टाइम जो एक डिक्टेटरशिप से जो राज चल रहा है, जिस तरह के पूरी कंट्री में हालात बने हुए हैं, वो हालात यही बता रहे हैं कि ये जो डिक्टेटरशिप बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई है, इसका खात्मा बड़ी जल्दी हो जाएगा और लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि जनतंत्र में लोग हमेशा जीते हैं। और हिंदुस्तान का तो ये इतिहास रहा है, हिंदुस्तान में आपको पता है अलेक्जेंडर के हमले हुए, बड़े ज़्यादा लोगों के हमले हुए, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं कर पाए। यहाँ जनता जीतती है, जनता की आवाज़ ही जीतेगी। और जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो एक ऐतिहासिक कार्य किया है, 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हिंदुस्तान को, वे किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कर पाए। ना तो दो बातें, या तो उनके पास विजन नहीं था या विल पावर नहीं थी। मोदी सरकार इस समय शासन कर रही है, पसंद आ रहा है आपको? ये आप जनता से पूछिए, आप किसानों से पूछिए जो दिल्ली बॉर्डर में है। आप जनता के प्रतिनिधित्व हैं, कर रहे हैं, तो आपसे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जनता आपको बता रही होगी, पसंद आ रहा नहीं? जनता की यही आवाज़ है पूरे जम्मू कश्मीर के, और ख़ासकर पूरे हिंदुस्तान की जनता की। जिस तरह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी यही आवाज़ है कि मोदी सरकार ने वो हालात खड़े कर दिए हैं कि 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स आई, बड़ी बड़ी निकम्मी गवर्नमेंट्स आई, झूठी गवर्नमेंट्स आई, ऐसी गवर्नमेंट कभी नहीं देखी। उनकी एक ही आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान में कि अगला प्रधानमंत्री हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। गांवों से भी यही मांग है, जैसे ये कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहिए, आप भी? हाँ, गांव से भी यही है, क्योंकि मैं जिला प्रधान आम आदमी पार्टी से कठुआ जिला प्रधान हीरा लाल वर्मा, और हमारा जो आज का मुद्दा, हमारे जम्मू कश्मीर को जो 300 यूनिट बिजली का फ्री देने का मुद्दा है, कि हमारे गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनको आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, और बिल उनका इतना आ गया कि जितना उनकी इनकम भी नहीं है, और इतना बिल हमारे जो गरीब लोग कहाँ से देंगे? बिजली प्राइवेट हो गई वहाँ पर जो इतना ज़्यादा बिल आ रहा है आपका? नहीं, प्राइवेट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिल मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम बिल देखो, जो गरीब लोग है जिसका इनकम आप सोर्स महीने का 500 रुपया भी नहीं है, हैं, जिसका पेरेंट्स हैंडीकैप हैं, जहाँ किसी का कोई ऐसी बीमारी लग गई है, जहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे विडो फैमिली हो गई, जैसे कोई, उनको कहाँ से पैसा आएगा, हैं? लेकिन उनका तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार ये सोचने के बावजूद, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने अब हमारी जम्मू कश्मीर में जो बिजली जो जनरेट होती है और बाहर स्टेटों में जाके बेच देते हैं, और दिल्ली सरकार जो 200 यूनिट फ्री छोटे लोग वर्ग के लोगों को फ्री कर सकती है, तो हमारी ये J&K गवर्नमेंट क्यों नहीं फ्री कर सकती? ये सेंट्रल सरकार को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और सोचना चाहिए। मोदी सरकार जी से हम ये एक अपील करते हैं, जनता के माध्यम से अपील करते हैं, कि हमारी जो जम्मू कश्मीर झूठी, ये हमारे गरीब लोग, गरीब वर्ग के लोग, इनको 300 बिजली यूनिट फ्री दी जाए, और स्कूलों के हालात भी अच्छे किए जाए। जो कि आज का मुद्दा हमारा बिजली के ऊपर है, हम किसी और मुद्दे के ऊपर नहीं बोलेंगे, इसी के जनता के माध्यम से। और हमने आप डिविजनल कमिश्नर जी को आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है, और ये मेमोरेंडम जब LG साहब जो को जाएगा, तो LG साहब इसके ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार को भेजेंगे। सरकार को ये करना जरूरी होगा, क्योंकि हमारी जनता दुस्त है। जनता आपने पिछले कोरोना में देख लिया होगा, जनता के कैसा, जनता ने कितनी कठिनाइयों से
अपने आपको। अच्छा, हमारे साथ गुरमीत जी हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, 300 यूनिट फ्री आप मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी लोगों को मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये आपको लगता है आपकी इस मांग को सुनेंगे? बिल्कुल सर, इनको सुनना पड़ेगा। आप देखिए, जब केजरीवाल जी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर आए तो उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, सारे रिसोर्सेज उनको पे करना पड़ता है, वो ले रहे हैं, और उसके बावजूद उन्होंने 200 यूनिट दिल्ली में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बिजली फ्री कर दी। हमारे पास, जम्मू कश्मीर के पास, हमारे पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम यही डिमांड करते हैं, हमने आज मेमोरेंडम LG साहब को भेजा है थ्रू डिवकॉम साहब, कि हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो आप प्राइवेट करने जा रहे हो, उसके बजाय आप जम्मू कश्मीर की जनता को, जो बोली वाली जनता है, इसको 300 यूनिट बिजली फ्री की जाए और फ्री दी जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सेवक सिंह को कन्वीनियर, आम आदमी पार्टी जम्मू प्रांत। अभी आपने यह सवाल किया है कि बिजली प्राइवेट होने जा रही है, क्या आपकी डिमांड मानी जाएगी? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट दिल्ली में आई तो वहां पर हर चीज़ प्राइवेटाइज थी, एजुकेशन प्राइवेटाइज थी, पब्लिक स्कूल थे, बड़ी हाई फीस थी उनकी, हॉस्पिटल वहां पर प्राइवेटाइज खुले हुए हैं, एस्कार्ट हो गया, मैदानता हो गया और फोर्टिज़ हो गए, और बड़ा कास्टली ट्रीटमेंट था उसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी प्राइवेट है दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर, जबकि कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि 200 यूनिट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद जो बिल आएगा वो प्राइवेट कंपनी लेंगी। नहीं, अगर ये आपकी यहाँ पर जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती, तो हम क्या समझें कि आप लोग फिर सत्ता में आएंगे? सुनिए, मेरी, हमारा कहने का भाव ये है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो थे उनकी फ़ीस भी केजरीवाल जी ने नोटिफिकेशन निकाल कर लिमिटेड कर दी, ठीक है, सरकारी स्कूलों का अपग्रेड किया। आज दिल्ली का हालात ये हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल कर लोग सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटी मुफ्त कर दी, मेडिसिन कर दी, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला, जिसको USA के प्रेसिडेंट ने अप्रिशिएट किया। तो एक CAG डिपार्टमेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट, उसकी रिपोर्ट है कि इतना कुछ फ्री करने के बावजूद भी दिल्ली की गवर्नमेंट प्रॉफिट में है। हम ये पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे पास तो पावर पोटेंशियल है यहाँ पर, हमारे पास त्रिया रावी में सेवा हाइड्रल प्रोजेक्ट है, चनाव में सलाल प्रोजेक्ट है, साबराकोट प्रोजेक्ट है, बघेयार प्रोजेक्ट है, किश्तवाड़ में दूलहस्ती प्रोजेक्ट है, झेलम में उड़ी प्रोजेक्ट है, दरियाए सिंध में दूध गंगा प्रोजेक्ट है। तो इतनी पावर पोटेंशियल होने के बाद यहाँ की सारी पावर ड्रेन छोड़ करके सेंटर ले जा रही है, और यहाँ पर जो हमारी स्टेट है, हमारी बिजली यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, और आम उपभोक्ता को 2-2.5 लाख रुपया इसका बिल पे किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री मुहैया की जाए। हम फिलहाल, हमारा एजेंडा एक ही है, हमने आज आश्वासन, अपना क्या नाम है उसका, मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर साहब को दिया गवर्नमेंट थ्रू उनके माध्यम से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ये आपका मेमोरेंडम जो ऊपर तक पहुँचाएँगे। इन केस अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इसको नहीं मानती तो आम आदमी पार्टी गली गली कूचे कूचे और रोडों पर इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ेगी, और अरविंद केजरीवाल जी को पॉलिसी को जम्मू में लागू करवाएगी। ये हमारा एजेंडा है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ झुग्गी वाले हैं जिनके घर में एक पंखा नहीं है, उनको 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया बिल आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नई बस्ती में इंदिरा कॉलोनी है, हमारे पास अप्रोच किया और वो 200 घर है जिनके पास बिल मिनिमम से मिनिमम उनको 1.5 लाख रुपया बिल आया हुआ है। आप एक बताइए, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी है जिसके पास एक पंखा है, उसके पास आप 1.5 लाख रुपये का बिल दे रहे हो, वो कहाँ से पे करेगा? इसीलिए आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए और 300 यूनिट बिजली फ्री की जाए जम्मू कश्मीर में। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 300 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, उन सबको ये 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सरकार ही निर्णय करेगी, ये मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो फिर सरकार बदली जा सकती है। ये लोग इस तरह की रणनीति पर आगे जो है, इस तरह की पॉलिसी पर काम करेंगे। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।